कोई भी वूंड होता है या फिर अल्सर होता है, उससे नॉर्मली कोई ना कोई डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज फिर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू स्मेल, अकॉर्डिंग टू अमाउंट। अब नॉर्मली जो इन्फ्लेमेशन में फ्लूड डिस्चार्ज हो रहा होता है उसे हम कहते हैं सीरस। सीरस के अगर हम करेक्टर देखें तो सीरस फ्लूड जो होता है, जो सीरस डिस्चार्ज होता है वो क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, वाटरी प्लाज्मा होता है। ये सीरस जो है नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। सेकेंड टाइप हमारी डिस्चार्ज की है सीरोसिंगोनियस। सीरोसिंगोनियस जो है वो अपेरेंट्स में पेल होगा, पिंकी या फिर वाटरी हो सकता है। ये मिक्सचर होता है क्लियर फ्लूड और रेड फ्लूड का, नॉर्मल पार्ट है ये भी हीलिंग प्रोसेस का। थर्ड टाइप है हमारे पास डिस्चार्ज की सेंगुइनियस। सेंगुइनियस जो है वो ब्राइट रेड होता है, जैसे सेम लाइक ब्लड, रीसेंट या फिर एक्टिव ब्लीडिंग को ये इंडिकेट करेगा। मतलब ये कि जो एंजियोजेनेसिस होती है प्रोलीफरेशन फेज में, वो रप्चर कर जाएंगे, जो स्मॉल न्यू ब्लड वेसल्स होंगी वो इजीली रप्चर कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये सेंग्विनियस डिस्चार्ज होगा, और ये होता है इन्फेक्शन की वजह से, बायोबर्डन की वजह से। लास्ट टाइप है हमारे पास वूंड ड्रेनेज की, वूंड डिस्चार्ज की परुलेंट। परुलेंट कलर में येलो या थिक हो सकता है, और कंसिस्टेंसी में ये थिक होता है, फाउल स्मेलिंग होगी, और ये इंडिकेट करता है इन्फेक्शन को। मतलब जो सीरस और सीरोसेंगुइनियस है ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस का ही पार्ट है, लेकिन जो सेंगुइनियस है और वरुलेंट है ये बायोबर्डन को इंडिकेट करते हैं, वूंड इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। जब भी वूंड इन्फेक्शन होगा तो जो हीलिंग प्रोसेस है वो हमारा डिले हो जाएगा। इससे पहले हमने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है, तभी कहीं जाकर हीलिंग स्टार्ट होगी।